गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं? आज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का टाइम तो हो गया, बट अभी थोड़ा सा नाश्ता कर रहा हूँ। तो देखिए, आज का जो ब्रेकफास्ट है वो थोड़ा सा इस प्रकार का है। ये है आज का ब्रेकफास्ट। तो अपना तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, वेट भी थोड़ा सा गेन हो गया क्योंकि सर्दी का मौसम था। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा सर्दी होता है। तो मेरे जो ग्रीन टी है वो कौवा बोलने से सम कश्मीर का है। ये चीज़ मैं आप लोग को दिखाऊंगा बाद में। तो डिटॉक्स वाला है, अच्छा जी। तो उसमें सॉल्ट भी है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैं किसी का पास से मुझे टेस्ट मिला था, फिर मैंने उनसे भी मंगाया तो हमको दिए। तो ऐसा होता है ना, जानकारी जो नहीं होता है दूसरे से जानकारी लेके वो सही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, ये है मेरा आज का नाश्ता। तो मैं नाश्ता करता हूँ, फिर बाद में मिलता हूँ, बाय। जो आपको बताया था कि ग्रीन टी के बारे में, ये है वो ग्रीन टी। ये है कंपनी का नाम, जिंजर डिटॉक्स, देसी कहवा, कश्मीर का एक माना हुआ चीज़ है ये। तो कश्मीर में जिन लोग गए पक्का ये पिया होगा। उधर तो बहुत मिलता है, बहुत तरीक़े का। डल लेक में आप बोटिंग करने के लिए गया हो तो इन लोग भी बोट लेके गर्मा गर्म लेके आते हैं साथ में। तो उसमें सूखा गुलाब का पत्ते भी डाल देते हैं इन लोग इसमें। तो ऐसा आता है ऑनलाइन ऐसा। तो आप मंगा सकते हैं, ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह आना चालू हो गया, तो जो फ्रूट्स है तो हम लेके आते हैं लेकिन खाता नहीं कोई। मैं तो कभी कभी खा भी लेता हूँ। ये हैं तो सीज़न के हिसाब से जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो सभी को खाना चाहिए। तो मेरा नाश्ता हो गया, दूध वगैरह पी लिए बड़ी मुश्किल से। अभी टाइम हो गया 12:30 बज गया। अभी नहा धोंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत जो काम बचा हुआ है करेंगे, गाना सुनेंगे। नज़दीक एक प्रोग्राम है इसके लिए और थोड़ा प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। और थोड़ा चिंता भी है डैडी का तबीयत लेके। पापा अंडर ट्रीटमेंट में हैं तो मैं दूर में रहता हूँ, क्या करूँ। जॉब है और जितना हो सकता है मैं करता हूँ, तो ज़रूरी है, करना तो है। और आप लोग भी दुआ कीजिए मेरा पापा जल्दी से ठीक हो जाए। सब भगवान का हाथ में है, तो इंसान ही भगवान का रूप से है। आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा दुआ कीजिए मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाए। बाकी क्या बोलूँ, मैं घर का सब कुछ मुझे देखना है, देखना पड़ता है। तो इतना कुछ होने के बाद भी मतलब खुद को थोड़ा सा चिंता से डाइवर्ट करने के लिए कोशिश करता हूँ। थोड़ा म्यूज़िक सुनता हूँ, गाना गाता हूँ,
फिर भी आ जाता है मन में, पापा तो पापा है, मम्मी पापा के ऊपर तो और कुछ नहीं है, परिवार परिवार है, तो सब लेके चलना सभी को चाहिए और सभी को देखभाल करना चाहिए। एक साथ रहने का मज़ा कुछ और है ना। इसीलिए आप लोग भी सभी एक साथ हंस के जियो, जीना है तो हंस के जियो। थैंक यू, बाय बाय। सो अभी लंच करना है, तो लंच में आज घी के साथ रोटी, गोभी मटर, पालक एंड फिश फ्राई और थोड़ा सलाद। तो ये होगा अभी का लंच। थोड़ा सा देर हो गया, कोई बात नहीं, ऑफ जिस दिन होने से थोड़ा सा लेट ही हो जाता है। तो बाकी क्या, दोपहर में तो कुछ काम कर रहा था इसीलिए और थोड़ा लेट हो गया। और इसके बाद थोड़ा सा टीवी वगैरह देख लेंगे, फिर शाम को कुछ और। थैंक यू, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी डिनर का टाइम हुआ तो डिनर करते, कल फिर ऑफिस है। तो डिनर में आज जो है दिखाता हूँ, आज डिनर में क्या है। ये है डिनर, चिकन बिरयानी, ये मेरे लिए, और ये चिकन मंचूरियन, और एक करी तो घर में बनाया, और ये फ्राइड राइस मेरे लड़के के लिए, और चिकन मंचूरियन ये लड़के के लिए है, और ये मेरे लिए, मैं तो इतना खाऊंगा नहीं, ये मेरे लिए है। तो रात का डिनर आज यही है, बाकी और कुछ नहीं। तो आज इसमें से काम चला लेंगे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो डिनर शुरू करते हैं, ठीक है। जो चिकन मंचूरियन है, ये चिकन मंचूरियन, और इसका साथ में थोड़ा सा अच्छा टेस्ट है, और जो है ना एकदम सादा, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। यहाँ बिरयानी मिलता है दो तरीका, एक मसालेदार और एक नॉर्मल, ये अच्छा लगता है। इसमें ज़्यादा मसाला नहीं होता, और घर में जो बनता है वो तो अलग ही है, बट ये भी ठीक है, अच्छा है अभी। और चिकन मंचूरियन जो है थोड़ा सा स्पाइसी है, थोड़ा सा स्पाइसी है ये। बढ़िया टेस्ट। तो हो गया, थोड़ा बहुत खा लिया, टेस्ट कर लिया, चलते, टाटा, गुड नाइट।